काशीपुर नगर निगम में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। नगर निगम में आयोजित बैठक में SDM अपर पुलिस अधीक्षक समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बारे में बताते हुए ASP राजेश भट्ट ने बताया कि उत्तराखंड के रहने वाले प्रवासी लोगों के आने के बाद काशीपुर तथा आसपास के क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए रामनगर रोड स्थित स्टेडियम के इंडोर हॉल को चयनित किया गया है, जिसके संबंध में नगर निगम में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक के पश्चात SDM काशीपुर के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्टेडियम पहुंचकर स्टेडियम के इंडोर हॉल का जायजा लिया। आपको बताते चलें कि प्रदेश सरकार के द्वारा दूसरे राज्य में रहने वाले प्रवासी लोगों को वापस अपने राज्य में लाने की कवायद तेज कर दी गई है, जिसके तहत जल्द ही देश के अन्य राज्यों में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड में वापस लाया जाएगा। देखिए, जो हमारे उधम सिंह नगर जनपद के रहने वाले जो बाहर फंसे हुए हैं, जिनको राज्य सरकार की बसों के द्वारा लाया जा रहा है, उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है कि हमारा जो जनपद है उधम सिंह नगर, वो दो भागों में बांटा गया है। रुद्रपुर से लेकर खटीमा तक जो भी आएंगी बसें, चाहे वो कुलबट्टा से आए या अन्य क्षेत्रों से आएंगे, वो राधा स्वामी सत्संग जो आश्रम है रुद्रपुर में, वहाँ जाएंगे। बाकी बाजपुर से लेकर जसपुर तक के एरिया से या वहाँ की सड़कों से जो भी आएंगी बसें, इंटरस्टेट बसें जो हैं, उनको हम काशीपुर स्टेडियम में लाएंगे और यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को उतार करके बसेस को आगे हल्द्वानी रवाना कर देंगे। हमारे यहाँ जो लोग उतरेंगे, उनका मेडिकल प्रिलिमिनरी लेवल पे वहाँ कराया जाएगा स्टेडियम में। उसके बाद उनसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह और डिटेल्स वगैरह भरवाई जाएंगी। उसके बाद उनको आगे की क्वारंटीन करने की कार्रवाई मेडिकल विभाग द्वारा की जाएगी। इसी संबंध में पूरी चर्चा की जा रही थी कि हो सकता है बसेस में कुछ लोग खटीमा या फिर दूर के क्षेत्र के आ जाएं, तो उनके जाने की व्यवस्था ARTO के लेवल पे की जाएगी और बाकी मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम जो वहाँ पर रहेगी फिलहाल 24 आवर्स, उसके बारे में वहाँ चर्चा हुई। तो इन सभी बिंदुओं पर जो SOP बनाई गई है, उनको ब्रीफ कर दिया गया है सभी विभाग के अधिकारियों को। तो अब हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ स्टेडियम में।